So good morning guys and welcome back to another vlog. This is day 10th, 11th, 12th, पता नहीं कुछ भी हो but हम लोग हिमाचल से निकल गए जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा और अभी फिलहाल हम लोग है अम्बाला के आसपास. अम्बाला यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हम सीधा जाएंगे मुंबई, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मुंबई आज तो हम नहीं पहुँच पाएंगे. तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक कवर करते हैं. अभी फिलहाल सुबह सुबह उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, तो भैया नाश्ता भी कर ही लेते हैं ना. तो अभी नाश्ता करते हैं एंड फिर आपको थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं. सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं गाड़ी में सब सामान लोड करने के लिए और गाड़ी में मैं सामान लोड कर रहा हूँ. मैंने एक्स्ट्रा कुशन लगा दिया कि भैया आराम से बैठ के जाएंगे, अभी टेंशन नहीं. ये एक्स्ट्रा कुशन लिया था मामा ने, मामा के गाड़ी में ऑलरेडी है जो मामा ने पीछे लगाया है, और एक एक्स्ट्रा लिया था हमने. तो मैं सोच रहा हूँ अभी यूज़ कर लेता हूँ इसको, मस्त मैं इसमें बैठ के जाऊँगा. और अभी सुबह सुबह देखा तो आधी की गाड़ी पंचर हो गई है. और ये देखो क्यों हुई है पता है, ये रहा कीला, दिख रहा है आपको गाइस, ये देखो यहाँ पे घुसा पड़ा है कीला. तो टायर तो बैड ही है ऐसे लग रहा है, जा सकती है लेकिन पंचर बनाने तक तो पंचर तो बना सकते हैं, इतना तो ये है. और अभी पूरा बैग वैग सेट कर रहा हूँ, आधी का बैग इधर है मेरे पास. देखो कितने धूल मट्टी उड़ रहे हैं यहाँ पर. तो गाइस जिस दिन हम आए थे तभी इधर सारी कार्स खड़ी थी, अभी कोई भी नहीं है. रात को सब लोग स्टे करने के लिए आते हैं तो पूरी गाड़ी भरी थी यहाँ पे. ये रहा हाईवे, लास्ट टाइम भी आपको जैसे मैंने दिखाया था, देखने आया था मैं कि कोई टायर वाला नज़दीक है क्या नहीं, तो एटलीस्ट आधी जाके बना के आता था. क्योंकि अभी हम लोग जैकेट वगैरह डालेंगे ना फिर वही होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा हम लोग को भी खड़े रहने के लिए, और दोपहर की धूप है ना. जाते हैं और देखते हैं अभी क्या होगा, जो होगा हो गया, जो होना था हो गया, कोई नहीं. तो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग ने गाड़ी अंदर ही पार्क कर दी थी, इनका लॉन है और हम लोग ने नीचे इधर ही शेड में पार्क किया था क्योंकि हम लोग ने बैग्स वगैरह नहीं निकाले थे. तो भैया अभी सीधा जाते हैं यहाँ से. इधर गया दी, पहले पंचर बनाना है ना फिर उसके बाद आगे देखते क्या होता है. एक नंबर एंडेवियर गई. और देखो टायर तो मतलब चलो ट्यूबलेस ऐसे चल रहा है, एकदम थोड़ा सा हवा है उसमें तो पंचर वाले तलक तो जा ही सकता है. धीरे 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 करके खड्डे में नहीं अपड़ना है, बस धीरे धीरे जाएंगे. तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं पंचर बनाने के लिए. किला किधर है? किला आदि ने संभाल के रखे. ये देखो भाई इतना बड़ा किला इसके अंदर से मिला. ये तो बन गया है भाई, हॉर्न कम्बर, हॉर्न कम्बर. अभी वैसे तो वो बन चुका है और पता नहीं रात भर गोप्रो चार्ज रख पे रखा था लेकिन वो चार्ज ही नहीं हुआ. और भाभी दिखा रहा है कि HD कार्ड कह रहा है. ये गोप्रो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, क्या कर सकते गाइस इसको बताना. अभी इसको मैंने पोर्टेबल पे चार्जिंग के लिए रखेला है, मेमोरी कार्ड निकल के वापस इंसर्ट किया तो अभी सही चल रहा है. लेट्स सी, बहुत कटकुट कटकुट आवाज़ आ रही है, शायद ब्रेक होएगा आवाज़ यहाँ पर. तो हो गया अभी हम लोग का टायर बना के निकलेंगे अभी यहाँ से. और ये छोटू के मज़े हो रहे, आइसिंग भरा गर्मी में, कूल जाता है इधर. अधोया आज छुट्टी है, छुट्टियाँ पड़ रही, छुट्टियाँ पड़ गई, वाह मजे है तुम्हारे. तो गाइस हो गया अपना टायर वियर बना के और ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ. ओ भाई तो सच्ची में होता है, एक नंबर मस्त लगता है, एक नंबर. चलो अभी चलते हैं, राइड करते हैं, राइड. दो सौ. ओ भाई साहब क्या खेती है, देखो गाइस यहाँ पर. ये तो हम लोग रात को मिस कर लिए थे इस रोड पे, कोई नहीं अभी एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन गाइस इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना कि क्या बताओ, पूरे पसीने छूट गए. क्योंकि मैं इसलिए पहले आदि को बोला कि तू पहले जाके गाड़ी का काम करके आ जा सो दैट अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा. और क्या हम लोग जैकेट्स वगैरह नहीं पहने थे तो रूम में जैकेट्स रहने देते थे और निकल जाते थे. भाई यहाँ पर है बाइक्स नॉट अलाउड, अब क्या करेंगे हम. एक नंबर चाचा मस्त जा रहे एकदम. भगाते 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 तब तक आप थोड़े सिनेमैटिक एंजॉय करो हमारे. 1, 2, 3, 4. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's... Oh bhai, ye dekho kya chal raha hai.
ये सब रोड में अलाउ ही नहीं करना चाहिए यार, कितने ऊपर तक उसने ऐसा फैला के रखे ले। कभी कुछ टर्न आ गया, कुछ आ गया तो दूसरे गाड़ी के ऊपर गिर सकते यार। ये देखो क्या है ये भाई, आगे मिरर में देखो फुल क्राउन के ऐसा दिख रहा है, ऊपर ट्रक को ऐसा लग रहा है क्राउन आ गया। और भाई रास्ते के काम चल रहे हैं, संभल के। जयपुर और 405 किलोमीटर है गाइस, तो 405 कम से कम हमको 5 या 6 घंटे लगना चाहिए मैक्स। और अभी जो टाइम हो रहा है 4:15 बज रहे हैं, 4:15, तो कम से कम 8-9 बजे तक हमको लगता है हम जयपुर तो पहुंच जाएंगे गाइस। ये देखो खतरनाक लोग है इधर। 8-9 बजे तक जयपुर, फिर उसके बाद ट्राई करूंगा कि थोड़ा जयपुर के आगे निकल जाओ तो कल उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा गाड़ी चलाने के लिए। फैक्ट्री देखो, वो धुआं मुझे ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वो उतने का उतना ही है और उतना ही रुका हुआ है। यहाँ पे थोड़ा स्लो लेना पड़ेगा भैया, गाय भैंस ये अंकल कभी भी आ सकते हैं। वो धुआं ऐसा लग रहा है वहीं का वहीं है, देखो ना गाइस चाय की फैक्ट्री क्या हो, लेकिन पूरा आगे ऐसा स्मॉग जैसा लगा हुआ है, धुंधला हो गया। तो रात को आएंगे तो और ज़्यादा दिखेगा ये। सो गाइस अभी हम लोगों ने लिया एक पेट्रोल ब्रेक, पेट्रोल फिल करा रहे हैं, और जब होटल से निकले थे फिर उसके बाद टायर वगैरह बनाया, उसके बाद हम लोग ने अभी 200 किलोमीटर कवर कर लिए। और यार ये देखो कीड़े वीड़े मरते हैं ना, बहुत ज़्यादा मरे हुए इधर, और पूरा हेलमेट के कांच में देखो, ये देखो पूरा दिख रहा है आपको छोटे, इसके से आगे कुछ दिख रहा नहीं था। ये देखो पूरे हेलमेट के कांच में मरे, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा अभी। इसको साफ़ करते फिर आगे निकलते और देखते अभी जयपुर यहाँ से, और 350 किलोमीटर दिखा रहा है, लेट सी कितना कवर होता है। टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो, वो आपके काम आता है। क्यों पता है? क्योंकि आप रेगुलर ब्रेक्स लोगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहते हो, पानी टाइम पे पीते हो, वॉशरूम बराबर जाते हो, तो क्या टेंशन नहीं रहता आपको। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लो आराम से, कुछ खाओ पियो फिर निकलो। अरे मैंने निकाल रहा, आप निकालो। राम राम भाई जी, की हाल है? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? हरियाणा के हो जी? सिरसा के। सिरसा के हो? अच्छा, तो शूटिंग करते मिलते हो गया? अरे नहीं, बस बाइक में घूमने निकले, हिमाचल गए थे, अभी वापस बॉम्बे जा रहे हैं। हिमाचल गए थे? हाँ, मनाली गए थे। अच्छा, अभी जा रहे मिलते। ठीक है जी, ओके। ये ट्रैक्टर की सवारी भैया। ए डायरेक्ट गाड़ी से इंटर पे आ गए हम लोग, बस मजा आ गया। चलो भैया मजा आ गया, धन्यवाद। रेडी टू रेस, लेट्स गो। हो गया गाइस, अभी पेट्रोल भर के निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं जयपुर की ओर। ये थोड़ा ना स्पॉन्ज को सेट करना पड़ता है, बैठ के आराम से कर लिया है, अभी निकलते हैं भैया। आधी गाड़ी आ रहा है, देख पागल इंसान उल्टा आ रहा है। ये देखो रोड्स पूरा खाली है, और क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और हम लोग सोच रहे कि जितने टाइम उजाला है उतने टाइम में हम लोग ये पूरा रास्ता कवर कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में फिर दिखता नहीं एंड स्पीड फिर स्लो हो जाती है। तो अभी हम लोग 90-100 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं और उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, स्लो जाएंगे आराम से। ये देखो भाई कैसे लोग है, देखा आपने गाइस? ये होता है आप लोग को ये रास्ते पे ये सब संभालना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग लेफ्ट राइट मिरर में कुछ नहीं देखते, डायरेक्टली टर्न ले लेते हैं। और भैया सूर्य भगवान थोड़ा सा बाहर आ जाओ, थोड़ा उजाला रखो, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहो, सो दैट अपन थोड़ा ज़्यादा कवर कर सकते हैं। ये है हरियाणा पुलिस का चेक पोस्ट, वहाँ पे सनसेट होते हुए देखो क्या लग रहा है, उसके जो रेज है वो कितने ऊपर तक आ रहे हैं। नीचे चला गया बट रेज देखो कितने ऊपर तक आ रहे हैं उसके। और यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, ओवरटेक कर रहे हैं सामने से भी, तो धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। आराम से चलेंगे भाई, गाड़ी नहीं है, 2 दिन के बाद पहुँचेंगे, चलेगा। वैसे तो 2 दिन लगेंगे, आज का, कल का और परसों का शायद, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम कल ही पहुंच जाए। लेट्स सी अब क्या होता है। डाइवर्जन्स बहुत सारे ये रोड पे,
रोड अच्छा है लेकिन डाइवर्जन बहुत है और लोग एकदम ओवरटेक करने के चक्कर में ना बहुत फालतूगिरी से चला रहे हैं। सो गाइस, हम लोग ने वापस सेकंड हॉल्ट ले लिया है। एक्चुअली ये जो टाइम है ना, जब सनसेट हो जाता है और थोड़ा नाइट का टाइम होता है, तो पता नहीं आँखों में ना एकदम चलाने नहीं होता कुछ, तो ऐसा लगता है कि रुक जाओ करके। ये टाइम थोड़ा राइडिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, राइडिंग के लिए क्या ड्राइविंग के लिए भी होता है, तो इसलिए हम लोग ने अभी ब्रेक ले लिया। और हम लोग ने ब्रेक भी लिया तो देखो भाई, आदित्य भाई के रेस्टोरेंट में, आदित्य रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। भाई को क्या समझाए, हल्के में ले रहे क्या भाई? अभी हाथ धोने गए, अभी आएंगे ना। अभी हम लोग फिलहाल राजस्थान एंटर कर लिए, तो ये एकदम राजस्थान में आता है चूरा गाँव करके। जयपुर पहुँचने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दिखा रहा है, तो कम से कम 3-4 घंटे पकड़ लो, क्योंकि ये हाईवे तो सही है लेकिन जब जयपुर को रास्ता मिलेगा ना, वो रास्ता थोड़ा ख़राब है। और अभी अंधेरे में हम ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते, अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रास्ते दिखते नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं यहाँ पर, तो कोई नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, मज़े से जाएंगे। और क्या, अभी 80-90 मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग 100-110 कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि रोड्स विजिबल थे। अभी सिर्फ क्या है, हेडलाइट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ही रोड दिखेगा, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या मामा, मज़ा आ रहा है? फुल धमाल भाई, फुल धमाल। आदित्य भाई और मावरी भाई और साथ में कोई टेंशन ही मत, तो बले बले मानना पड़ेगा मामा को। भाई भाई आप लोग राजस्थान पधारो भाई, 4000 किलोमीटर चल लिए, पधारो विद मावरी एंड आदित्य। आदित्य भाई का होटल आ गया, कोई कुछ बोलेगा नहीं अभी, बस भाई का होटल है, भाई का होटल है। भाई उधर, भाई उधर मुंह हो रहा है वो, देखो मुंह दिखाएगा अभी थोड़े टाइम के बाद, मुंह दिखाई उसका। ये गाइस हो गया हम लोग का स्नैक्स टाइम, और हम खा रहे हैं आलू प्याज का पराठे, और द टाइम इज 7:35 राइट। मामा इधर कैमरा सेट कर रहे हैं मेरा वीडियो लेने के लिए, थैंक्स मैन। एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी और पोहा 4 लोग का है, तो ज्यादा मत पियो आराम से। देखो हम कहाँ उजाले में आए थे यहाँ पर, और फुल खाते पीते फ्रेश वगैरह होते होते हम लोग को नहीं बोलेगा तो हम लोग का कम से कम 2 घंटे वेस्ट हो गए यहाँ पर, फुल रेस्ट कर लेते ये लोग दोनों। अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, कितना 8:30 हो गया, 8:30 हो गए, देखते हैं अब किधर तक कर सकते हैं। जयपुर तो और 200 किलोमीटर बाकी है, हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो डायरेक्ट नाथद्वारा जाएगा। नाथद्वारा में जाके फिर ये आदमी क्या कुछ काम कर दे, नाथद्वारा जाते फिर देखते कहाँ तक पहुँच पाते आज। गाइस अभी हम लोग मस्त में खा पी के निकल चुके हैं और वापस सेम रोड पर आ गए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक ही रोड है और दोनों आने जाने के लिए खुला है। डाइवर्जन है इधर बहुत सारे, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। एंड वैसे तो लोगों ने बोला कि आगे जाके रोड खुल जाएंगे एंड मतलब चारों लेन हो जाएगा, बट स्टिल जब तक नहीं है तब तक धीरे धीरे जाएंगे। अभी हम लोग 50-60 मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आगे से ना बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर राइट। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हम फिर से रास्ता भटक गए, गूगल मैप की मेहरबानी। बजिया क्या, उसको दूर भगा एंडी रास्ते से, बजिया ना उसको हटा देना साइड में। चल चल छोटू चल, बहुत छोटा, उसकी मम्मी किधर गई भाई? गाड़ी आ रहा पीछे से आराम से, उठाओ कैसे इसको, जो गाड़ी तो साइड में लेने दे। देखो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हम तो हेल्प करने उतरे थे लेकिन कोई नहीं, साइड में चला गया ना वो, उसकी माँ वैसे ही मुँह से पकड़ रही थी उसको, तो चला ही गया रहेगा, क्या करा, अपन तो बचा रहे थे भाई। सो गाइज आज हम लोग पूरे दिन में 3rd टाइम पेट्रोल भर रहे हैं, भर लिया अभी, ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है। अभी हम लोग कहीं राजस्थान में है, और इधर कोई तो कॉलेज भी है, जुपिटर कॉलेज के जस्ट बाजू में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं। रात के कितने बज रहे पता है गाइज? ये देखो रात के बज रहे 11:30। अभी हम लोग ने पेट्रोल भर के थोड़ा 2 मिनट रुके, थोड़ा स्ट्रेच कर दे और फिर आगे जाएंगे। यहाँ से किशनगढ़ और दिखा रहा है 70 किलोमीटर के आसपास, 72 किलोमीटर के आसपास, तो हमको कर लो 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है, गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है, तो हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहे, 70-80 में मेंटेन कर रहे हैं। लाइट्स वगैरह आ रही है तो स्लो डाउन होना पड़ रहा है, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो स्लो डाउन होना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, हम लोग 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। ओ भाई क्या लाइट मार रहा है ये, माय गॉड। और ये भी आराम से स्पीड ब्रेकर, प्यारा स्पीड ब्रेकर, नंबर प्लेट नहीं है भाई का तो, और एक स्पीड ब्रेकर है इसके आगे, आराम से आना। 60 किलोमीटर्स मोर, कम ऑन। तो गाइस रात के बज रहे हैं 2, और अभी हम लोगों ने फिर से लिया एक छोटा सा ब्रेक कुछ खाने के लिए, हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, बस स्नैक्स टाइप था, कुछ
खाया था, लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर डिनर करेंगे एंड फिर आगे एक रूम लेके सो जाएंगे मस्त में। गाड़ी फिलहाल इधर मस्त में पार्क्ड है, वहीं पर हम खाना खा रहे हैं मस्त ढाबे में। खाना आएंगे राजस्थान हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो अभी टेंशन की बात नहीं है। हम लोग नांदवरा में नहीं रुके, थोड़ा आगे आ गए, अजमेर भी क्रॉस कर लिया, अजमेर में ही है समझ लो, अजमेर में रुके और यहाँ से मुंबई कुछ और 800-900 किलोमीटर है। कल बताऊँगा सुबह कितने किलोमीटर है, लेकिन अभी फिलहाल खाना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है और अभी 2:30 बज रहे हैं रात के और हम लोग निकले अभी टूवर्ड्स मुंबई के लिए। और ऊपर देखो भैया चंदा मामा मस्त लाइट दे रहे अपने को भी, और अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है सामने से लाइट्स आने की, क्योंकि जो बीच में डिवाइडर है उसमें प्लांट्स लगे हुए, तो वो साइड से जो गाड़ी आ रही है उनके लाइट्स अपने आँखों पर नहीं लग रही, तो बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन अभी देखते हैं अपन कहाँ तक कवर कर पाते हैं, जो भी होगा आपको थोड़े टाइम में अपडेट करते हो। देखो गाइस, देखा आपने ऐसे गाय बीच रास्ते में खड़ी थी भाई। सो गाइस अभी हम लोग को रूम्स मिल गया है और इसी होटल में हम लोग रुकने वाले हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और यही सेम प्लेस है जहाँ पर रात को डाइवर्जन जा रहे थे। तो हम लोग ने गाड़ी में से सब सामान निकाल दिया है, दोनों गाड़ी पार्क कर दी है, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड 5-6 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी मतलब 10-11 बजे करेंगे। तो बस अभी चेक इन करते हैं, इस ब्लॉग को कर दें यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।